इंदौर से खंडवा जा रही यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरने से बस में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है, जिसमें उचित कार्रवाई की जाएगी, साथ ही गलती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना सिमरोल थाना क्षेत्र में घटी है, जहाँ चोरल का जो घाट है वहाँ एक इंदौर से बस जा रही थी खंडवा के लिए। गुरुकृपा बस सर्विसेज की बस है, ये करीब 25 फीट नीचे गिरी है और राइट साइड में गिरी है बस, और साथ में करीब 26-27 लोग घायल हैं जो अभी एमवाईएच पहुँच गए हैं। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है, अभी तक कोई बस में नहीं है। सभी ग्रामीणों ने बड़ा मेहनत से सभी लोगों को वहाँ से निकाला है, पुलिस फोर्स भी तुरंत ही वहाँ पहुँच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो गया है, अब सभी का इलाज यहाँ एमवाईएच में जाएगा। अभी देखिए, पहली प्रायोरिटी हमारी इसमें ये थी कि हम घायलों को यहाँ तक लेके आएँ, और ड्राइवर भी इसमें घायल हुआ है ऐसा मुझे जानकारी में आया है। अब हम इसमें जो हमारी वैधानिक कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे, लेकिन बस का राइट साइड में गिरना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ त्रुटि जरूर होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और इसमें आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो जानकारी है उसमें इंदौर से खंडवा की ओर बस जाना बताया गया, गुरुकृपा ट्रेवल्स करके मुझे बताया गया है, लेकिन अभी चूंकि ये सब जानकारियाँ इनिशियली हैं तो एकदम कन्फर्म नहीं बता सकता, लेकिन जो जानकारी मुझे स्पॉट से लोगों ने बताई वो यही बताई। एक आध घायल के बारे में बताया जा रहा है कि वहीं सनावत या बड़वा जो बहुत ज़्यादा घायल नहीं थे वो वहीं अपने क्षेत्र में चले गए हैं, बाकी सारे घायल जो थोड़े ज़्यादा घायल हैं वो सभी एमवाईएच लाए गए।